everyone, this is me Jolly Yadav. Welcome back to our channel Reality 360 Degree. Guys, आज मैं आप सभी को लेकर आई हूँ जयपुर या सनराइज ग्रेन्स में, जो कि NH24 पर सिचुएटेड है. एंड आज जिस प्रोजेक्ट को हम कवर करने वाले हैं उसका नाम है दिव्यांश ऑनेक्स. प्रोजेक्ट की लोकेशन मैं आपको बता चुकी हूँ. यहाँ से कनेक्टिविटी आपको कैसे मिलती है तो वो मैं आपको बता देती हूँ. बैंगॉन आपका NH24 प्रोजेक्ट है. यहाँ से आपको दिल्ली, आगरा, मेरठ की बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी मिल जाती है. दिल्ली की अगर मैं बात करूँ तो दिल्ली अराउंड यहाँ से 15 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पर रहेगा. नोएडा आपका यहाँ से 8 से 10 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पर रहेगा. उसके बाद आपको मेन गाजियाबाद भी यहाँ से काफी ज्यादा इजीली एक्सेसिबल डिस्टेंस पर है. अराउंड 5 से 7 मिनट पर आपका मेन गाजियाबाद भी आ जाता है. साथ ही साथ अगर रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड की बात करूँ तो वो आपके 3-3.5 किलोमीटर के रेडियस में मिल जाते हैं. क्रॉसिंग रिपब्लिक यहाँ से 8 मिनट की दूरी पर है. शिप्रा मॉल आपका सबसे नजदीकी मॉल यहाँ से मिल जाएगा. ABS इंजीनियरिंग कॉलेज भी यहाँ से काफी ज्यादा नजदीक है. उसके बाद मणिपाल हॉस्पिटल, वो प्रोजेक्ट में बिल्कुल ऑपोजिट है, हाईवे के बिल्कुल ऑपोजिट आपका मणिपाल हॉस्पिटल है, जहाँ पर आने वाले टाइम में एक ATS का मॉल भी आने वाला है. सो गाइस, दैट वाज द कनेक्टिविटी एंड लोकेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट. अब मैं आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं प्रोजेक्ट के बिल्कुल अंदर ही खड़ी हुई हूँ. सो गाइस, यहाँ पर आपकी रहेगी मेन एंट्रेंस. ये प्रोजेक्ट का मेन डोर रहेगा. यहाँ पर आपको 3-tier सिक्योरिटी मिल जाती है, प्लस प्रोजेक्ट आपका रेडी टू मूव सेगमेंट का है. एंड आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको पार्किंग की अगर मैं बात करूँ तो पार्किंग आपकी कम्प्लीटली बेसमेंट पार्किंग रहेगी. एंड आपके लिए विजिटर्स के लिए यहाँ पर फ्रंट में पार्किंग रहेगी. तो चलिए, अब मैं प्रोजेक्ट के आपको अंदर लेके जाती हूँ, उसके साथ साथ हम और डिटेल्स डिस्कस करेंगे. इस प्रोजेक्ट की लोकेशन एंड कनेक्टिविटी से अब आप अवेयर हो चुके हैं. अब मैं आपको प्रोजेक्ट की और डिटेल्स शेयर करूं, उससे पहले मैं यहाँ के आपको अपार्टमेंट दिखाना चाहती हूँ. तो आप देखिए, तो हर एक टावर में आपको सेपरेट एंट्री एंड एग्जिट एरिया मिल जाता है. हर एक टावर में आपको यहाँ पर लॉबी एरिया मिल जाता है. सो तो ये लॉबी एरिया आपका हर एक टावर में प्रेजेंट है. एंड यहाँ पर आपके घर में जो भी गेस्ट आते हैं, कोई भी किसी को आते हैं, एंट्री एग्जिट एंट्री यहाँ पर होगी. उसके बाद आप देखिए, तो काफी ज्यादा प्लस फॉर यहाँ पर आपके गेस्ट के लिए वोटिंग एरिया भी प्रेजेंट है. तो यहाँ पर आपके गेस्ट आपके लिए वेट कर सकते हैं. लॉबी एरिया बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है. मैं आपको ऊपर लेके चलती हूँ एंड हम ऊपर के फ्लोर पर जाएंगे. और अभी मैं आपको एक 3BHK अपार्टमेंट दिखाने वाली हूँ, तो चलिए ऊपर चलते हैं. सो गाइस, यहाँ पर आपको ये फॉयर एरिया मिल जाता है. एंड फॉयर एरिया में बिल्कुल ही साफ पड़ेगा आपको ड्रॉइंग एंड डाइनिंग एरिया. सो दिस कम्प्लीट इज योर ड्रॉइंग एंड डाइनिंग एरिया. एंड ड्रॉइंग एंड डाइनिंग एरिया में बिल्कुल ही एडजॉइनिंग रहेगी आपकी किचन. सो यहाँ पर आपकी ये किचन मिल जाती है. किचन के साथ साथ आपको यूटिलिटी एरिया भी मिल रहा है. तो ये आपका यूटिलिटी एरिया रहेगा, जहाँ पर आपको काफी अच्छी एंड डिसेंट आपको पार्किंग मिल जाती है. एंड ड्रॉइंग एंड डाइनिंग एरिया के साथ साथ आपको यहाँ पर स्लाइडिंग डोर्स के साथ यहाँ पर एक विंडो भी मिल जाती है. तो इससे रूम में आपके प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहेगा गाइस. एंड सो दिस वाज द ड्रॉइंग एरिया. वहाँ पर आपकी रहेगी किचन एंड यहाँ रहेंगे आपके 3 bedrooms. सो हियर इज योर बेडरूम नंबर 1. लेट्स गो एंड चेक इट आउट. And this is your bedroom number 1, जो कि बहुत ही ज्यादा सुपर साइज में है. काफी ज्यादा स्पेशियस यहाँ पर आपको बेडरूम मिल जाता है. अगर मैं इस एरिया की बात करूँ तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आपको बालकनी मिल जाती है. इस रूम के साथ अटैच बालकनी, ये आपकी प्राइवेट बालकनी रहेगी. एंड यहाँ पर रहेगा आपका कॉमन वॉशरूम, जिसे कि आप इस बेडरूम एंड बाहर से एक्सेस कर सकते हैं. एंड ऑन दिस वॉल इज दिस स्पेस फॉर योर वार्डरोब. यहाँ पर आप फुल वॉल लेंथ वार्डरोब लगा सकते हैं. This passage leads us to the remaining 2 bedrooms. So here is your bedroom number 2. ये बहुत ही ज़्यादा spacious size में है. आप वीडियो में खुद भी देख सकते हैं, काफी ज़्यादा आपको बड़े size में यहाँ पर bedrooms मिल रहे हैं. एक ही नहीं, इनका 3 bedrooms काफी ज़्यादा अच्छे sizes में है. यहाँ पर आपको आपकी attached washroom मिल जाती है. Washroom again ये भी काफी ज़्यादा large size में आपको मिल जाती है. And यहाँ पर रहेगा आपके balcony का access. काफी ज्यादा अच्छी लेंथ में आपको यहाँ पर बालकनी मिल जाती है. ये आपकी एल शेप बालकनी है, जो कि आपकी यहाँ से शुरू होती है. प्लस आपके इस पार्ट में भी आपको कनेक्ट करती है, तो बहुत ही ज्यादा अच्छी साइज में आपकी बालकनी भी है. कॉमन बालकनी है ये आपकी. एंड क्लीन आपकी दिखाती है. यहाँ का थर्ड एंड फाइनल बेडरूम रहेगा आपके यहाँ पर. एंड हियर इज योर थर्ड एंड फाइनल बेडरूम ऑफ दिस अपार्टमेंट. ये भी अगेन काफी ज्यादा डिसेंट साइज में है. एंड अभी आपने जो बालकनी देखी है वो इसी के साथ
बालकनी रहेगी, तो आपको हर बेडरूम के साथ यहाँ पर बालकनी अटैच मिल जाती है, दैट मींस प्रॉपर आपका क्रॉस वेंटिलेशन होता रहेगा। एंड यहाँ पर जितने भी अपार्टमेंट्स हैं, चाहे 2 BHK हो, 3 and 4 BHK अपार्टमेंट्स हो, सबके साथ आपके 2 साइड ओपन अपार्टमेंट्स हैं। सो गाइस दैट वाज दी अपार्टमेंट, अब मैं आपको नीचे लेके जाती हूँ सोसाइटी में, एंड हम इस प्रोजेक्ट के बारे में और डिस्कस करेंगे, यहाँ पे क्या क्या इन्वेंट्रीज हैं, क्या क्या यहाँ पे अमेनिटीज आपको मिल रही है, वो सारी चीजें आपको नीचे जाके डिस्कस करते हैं। गाइस आप अपार्टमेंट तो देख चुके हैं, आप बिल्डर के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, प्लस इस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है दिव्यांश ऑनिक्स, ये आपके 4 acre की एरिया में बना हुआ है, एंड यहाँ पर 4 tower है जिसमें कि आपके 2, 3 and 4 BHK अपार्टमेंट्स की यूनिट्स रहेंगी। यहाँ पर आपको 2, 3, 4 BHK में डिफरेंट साइजेस मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे छोटा साइज यहाँ का 1080 square feet का रहेगा, एंड सबसे बड़ा साइज आपका 2330 square feet का रहेगा। टोटल यूनिट्स की बात की जाए तो यहाँ पर टोटल आपकी 604 अपार्टमेंट्स की यूनिट्स रहेंगी। पूरा प्रोजेक्ट आपका माइवान फ्रेमवर्क के साथ कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, और उसके साथ साथ टावर की हाइट को भी हम डिस्कस कर लें तो यहाँ पर आपके जो टावर्स हैं वो S+22 and S+23 की हाइट के साथ बनाए जा रहे हैं। प्लस अमेनिटीज के बारे में बात करें तो प्रोजेक्ट में आपको 60% एरिया से भी ज्यादा ओपन कम ग्रीन एरिया मिल जाता है। यहाँ पर आपके 2 पार्क प्रेजेंट हैं, जैसे कि फिलहाल मैं एक पार्क एरिया में यहाँ पर खड़ी हुई हूँ, तो आप देख सकते हैं काफी अच्छे से यहाँ पे ग्रीनरी डेवलप हो चुकी है। रेडी टू मूव आपका प्रोजेक्ट है, सारी चीजें यहाँ की रेडी हो चुकी है। किड्स प्ले एरिया आप देख सकते हैं, काफी अच्छे से यहाँ पर किड्स प्ले एरिया भी डेवलप कर दिया गया है। क्लब हाउस की हम बात करें तो यहाँ पर क्लब हाउस 20,000 square feet के साइज में बन रहा है, जिसमें कि आपके सारी बेसिक अमेनिटीज प्रेजेंट रहेंगी। फॉर एग्जांपल जिमनेजियम आपका रहेगा, बैंकेट हॉल आपका रहेगा, उसके साथ साथ सारे आपके इंडोर गेम्स भी उसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे। प्रोजेक्ट जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये रेडी टू मूव सेगमेंट का है, एंड दिवाली से पहले यहाँ पर लोग रहने लगेंगे, अभी OC आने ही वाली है। इस बिल्डर की बात करें तो बिल्डर पिछले 24 years से रियल एस्टेट के मार्केट में है, एंड अभी तक ये 4 projects सक्सेसफुली डिलीवर कर चुके हैं। लिस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज देयर ऑन द स्क्रीन, प्लस अभी इनके 2 ongoing projects हैं जिनमें से एक है दिव्यांश ऑनिक्स। सो गाइस दैट वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज प्रोजेक्ट दिव्यांश ऑनिक्स, जिसकी लोकेशन है NH24 जयपुरिया सनराइज ग्रीन्स। आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा तो टेल अस इन द कमेंट बॉक्स। मुझे ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा अच्छा लगा है, एंड सबसे मेजर वजह ये है कि ये आपका रेडी टू मूव प्रोजेक्ट है। आपको बहुत ही कम प्रोजेक्ट्स NCR में रेडी टू मूव सेगमेंट में मिल पाते हैं, बट दिस इज दी रेडी टू मूव प्रोजेक्ट, एंड ये आपका फुली पेड अप लैंड पे बना है, एंड बहुत ही जल्दी इस प्रोजेक्ट का OC भी दे दिया जाएगा, एंड दिसंबर से पहले यहाँ पर लोग रहना शुरू भी हो जाएंगे। प्लस उसके अलावा माइवान फ्रेमवर्क के साथ पूरी कंस्ट्रक्शन की गई है, दैट मीन्स क्वालिटी पे आप पूरा भरोसा कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर आपने अपार्टमेंट खुद भी देखा होगा, बहुत ही अच्छी लेआउट के साथ यहाँ पर अपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं, एंड काफी ज्यादा स्पेशियस अपार्टमेंट्स हैं। सो ओवरऑल ये प्रोजेक्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा है, एंड अगर हम यहाँ के मिनिमम इन्वेस्टमेंट प्राइस की बात करें तो यहाँ पर 2 BHK आपको 51 lakhs ऑनवर्ड्स मिल जाएगा। सो अगर आपको यहाँ पर आना है, आपको इस प्रोजेक्ट को विजिट करना है, आपको यहाँ के अपार्टमेंट्स को विजिट करना है, तो आप हमें ऊपर दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी। एंड उसी के साथ साथ हम वीडियो के एंड में आ चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू रियलिटी 360° फॉर मोर सच वीडियोस। Also press the bell icon so that our videos can reach you first, and I'll see you in some other video. Till then, bye bye and take care.